तालियां बजा दो एक बार। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, दादाजी का ये असीम उपकार है हम छात्रों के ऊपर कि उन्होंने 1000 छात्रों को पढ़ाया जरूर है स्मारक में, उन्होंने पढ़ाया नहीं है बल्कि उन 1000 छात्रों के अंदर एक नया स्मारक पैदा करके दिया है। और जितनी संस्थाएं हिंदुस्तान में चल रही हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दादाजी कहते हैं कि चाहे कितनी भी संस्थाएँ चल रही हैं, यदि इतिहास उठा के देखो, यदि उनकी गहराइयों में जाकर देखो, तो एक एक पत्थर जरूर उस स्मारक का होता है जो उस संस्था को अवलंबन प्रदान कर रहा होता है। मैं दादा के सम्मान में नहीं कह सकता हूँ, जिस आवाज को स्वर बल उत्साह देने का कार्य इस गुरु के परम उपकार का विषय है कि जब मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, मैं गुरु के सम्मान में 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। और वो 4 लाइनें सब बड़ी शांत चित्त से सुने। यहाँ की रात सबनम सी, यहाँ के दिन निराले हैं। यहाँ की रात सबनम सी, यहाँ के दिन निराले हैं। आदर्शों का वृंदावन, यहाँ के लोग प्यारे हैं। ये अभी दयाल जी आश्रम नहीं है, ये क्या हो गया है, अध्यात्म का वृंदावन हो गया है। और जिसमें दादाजी ने जो अध्यात्म की बांसुरी बजाई है, और यहाँ आने वाले हर साधर्मी के चित्त को जो अनुराधा की तरह प्रसन्न चित्त किया है, ऐसे दादाजी के सम्मान में ये आदर्शों का है वृंदावन, यहाँ के लोग प्यारे हैं। ये वो पदा करते, ये वो जो करते, ये वर्षे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। ये वर्षे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। ये विरह की वेदना भी है और अखंड सत्य भी है कि ये माहौल, ये मौसम, ये गुरुओं का समागम इस सूरत शहर को अब कब मिलने वाला है, और इस विरह की वेदना को इंतजार में बरकरार करते हुए अपने शब्दों को सीमित करना चाहूंगा। और समय ओम नमः सिद्धि। शिविर खर्च में 21